चलिए दोस्तों, आज बना लेते हैं आरसीबी की ऑल टाइम प्लेइंग 11। बीच में उस सेगमेंट को हम पॉज करके ये सेगमेंट एकदम नया आपके लिए लेके आए हैं। एक भाई के मेरे पास मैसेज आया था कि भाई आप आईपीएल से कुछ और रिलेटेड वीडियो बनाइए दोस्तों, तो उनके कहने पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक मैं चुनूँ जिस पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। सो गाइज, आरसीबी की टीम में काफ़ी नामी प्लेयर आए और काफ़ी नामी प्लेयर गए, बट इस्टेब्लिश जो टीम में जो प्लेयर थे वो एवी डिविलियर्स और विराट कोहली के इर्द गिर्द ये पूरी टीम चलती रही दोस्तों। हम अब चुनने वाले हैं क्या बेस्ट 11 रह सकती थी आरसीबी की टीम की ऑल टाइम, अब तक जितने भी खिलाड़ी आरसीबी की टीम में खेले गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने उन्हीं प्लेयर को पिक किया वो कम से कम 5 से 6 मैच खेले हों, एक या दो मैच पे मैंने किसी को भी डिसाइड नहीं किया इस प्लेइंग 11 में। आपको भी प्लेइंग 11 काफ़ी अच्छी लगेगी मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्रिकेट जगत की सारी न्यूज़ इस चैनल पर लेटेस्ट मिल जाती है, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और इस चैनल को 250 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दोगे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हम ओपनर्स से। दोस्तों, ओपनर्स अब तक काफ़ी खेले गए, तो केएल राहुल भी ओपन करके गए हैं इस टीम के लिए, ब्रेंडन मैकेलम भी ओपन करके गए हैं, एरॉन फिंच भी ओपन करके गए हैं, पार्थिव पटेल भी ओपन करके गए हैं, बट जो सबसे बेस्ट ओपनर रहे पूरे आईपीएल के आरसीबी की टीम के लिए, तो वो थे क्रिस्टोफर हेंड्रिक्स के लिए। दोस्तों, 2011 में इनको खरीदा गया था, 2017 तक ये आरसीबी की टीम के साथ थे, 91 टोटल मुकाबले खेले, 90 इनिंग उनमें खेले और 3420 रन इन्होंने आरसीबी की टीम के लिए किए। दोस्तों, ये मैं आरसीबी के आंकड़े बता रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आप ये मत समझना कि ऑल ओवर क्रिस गेल के पूरे आईपीएल के आंकड़े, ये सिर्फ आईपीएल के आंकड़े दोस्तों। हाईएस्ट इनका जो रहा वो 175 नॉट आउट रहा, एवरेज था इनका 43.29 का एवरेज रहा और स्ट्राइक रेट 154.40 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। इन्होंने इस दौरान 5 शतक लगाए, 21 अर्धशतक लगाए, 5 बार ये जीरो पे आउट हुए और छक्के इनके 263 रहे पूरे आईपीएल सीजन में। दोस्तों, ये होने वाले हमारे पहले खिलाड़ी और अब आ सकते हैं हमारे जो ओपनर इनका साथ दे सकते हैं। दोस्तों, ओपनर की ऐसा रहा कि जब 2016 में विराट कोहली ने ओपन किया तो सबसे बेस्ट टाइम था आरसीबी के लिए ओपनर के तौर पर, कि उनको एकदम इस्टेब्लिश्ड ओपनर मिल चुके थे। बट दोस्तों, विराट कोहली जो प्राइम फॉर्म है ना, वो नंबर 3 ही है, तो उनके साथ एक और हमें ओपनर मिल गया जो काफ़ी अच्छी ओपनिंग करता है, अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी आरसीबी की टीम के साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवदत्त तिवारी में। उस 2020 में इनको खरीदा गया और डायरेक्ट इनको प्लेइंग 11 में खिलाया गया। 2020-21 जो दो सीजन ये डायरेक्ट प्लेइंग 11 में खेले, जिसमें इन्होंने 21 मैच खेले, 21 इनिंग में 668 रन इन्होंने स्कोर किए, हाईएस्ट इनका 101 नॉट आउट रहा, एवरेज रहा इनका 33.40 का, स्ट्राइक रेट 131.75 का इनका स्ट्राइक रेट था, 1 शतक लगाया, 5 अर्धशतक लगाए और एक भी बार ये जीरो पे आउट नहीं हुए और टोटल 6 सीजन उन्होंने 17 अब तक आईपीएल में लगाए हैं आरसीबी की टीम से खेलते हुए। ठीक है दोस्तों, ये रहे हमारे ओपनर्स। आपको कैसे लगे ओपनर्स कमेंट करके बताते जाना, जहां आपको गलती लगे वहां मेरे को करेक्ट कर देना दोस्तों। तो विराट कोहली को अब मैंने नंबर 3 पे रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई खिलाड़ी, अगर पूरे विश्व में कोई सबसे बेस्ट खिलाड़ी नंबर 3 का रहा है, वो विराट कोहली के अलावा कोई नहीं है दोस्तों। इनको 2008 से 2021 तक अभी भी जुड़े हुए हैं आरसीबी की टीम से और किसी फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेले। टोटल मैच इन्होंने 214 मैच यानी 214 मैच खेले हैं, इनिंग खेली हैं 205, जिसमें इन्होंने रन किए हैं 6500, हाईएस्ट इनका रहा 113, एवरेज रहा इनका 38.01 और स्ट्राइक रेट आया 131.55 का, 5 इन्होंने शतक लगाए हैं और 42 अर्धशतक लगाए हैं दोस्तों, 0 पर ये 7 बार आउट हुए हैं और इन्होंने 219 सिक्सेस इन्होंने पूरे आईपीएल में लगाए हैं दोस्तों आरसीबी की टीम से खेलते हुए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम एवी डिविलियर्स की, जो कि नंबर 4 पे हमें खेलते हुए नज़र आ सकते हैं ऑल टाइम बेस्ट 11 में। दोस्तों, उसमें एवी डिविलियर्स को खरीदा गया था सन 2011 में और 2021 अभी चल रही है, इसका स्टैट मैं आपको बता देता हूँ। 149 टोटल मैच खेले एवी डिविलियर्स ने, जिसमें इन्होंने 137 में बल्लेबाजी की, ठीक है, और उसमें इन्होंने रन स्कोर किए 4416 रन इन्होंने बनाए, हाईएस्ट इनका 133 नॉट आउट रहा दोस्तों और एवरेज तो इनकी कमाल की 42.46 की
कमाल की एवरेज इनकी रही। दोस्तों स्ट्राइक रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 160 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, दो इन्होंने शतक जड़े और 37 अर्धशतक जड़े। दोस्तों 7 बार भले ही ये जीरो पे भी आउट हुए लेकिन 234 इन्होंने सिक्सेस भी आरसीबी की तरफ से खेलते हुए लगाए। दोस्तों उसके बाद अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 5 की। दोस्तों नंबर 5 और 6 की गुत्थी ऐसी है कि आरसीबी के पास अभी भी इसका कोई जवाब नहीं है। उनके वो हर साल आते हैं और हर साल इसी दो पोजीशन पे वो अटक जाते हैं। दोस्तों फिर भी मैंने कोशिश की है कि नंबर 5 पे इनके लिए बेस्ट प्लेयर चूज़ करने की। दोस्तों अगर मैं ओवरसीज चूज़ कर लेता, ओवरसीज़ के लिए एक रॉस टेलर नाम के एक प्लेयर है न्यूजीलैंड के, काफ़ी अच्छे थे, बट दोस्तों अगर फिर उन्हें चूज़ कर लेता तो बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाती और बॉलिंग में कंसल्ट रहा है हमेशा से आरसीबी की टीम का। दोस्तों तो इसलिए मैंने नंबर 5 पर रखा है युवराज सिंह को। दोस्तों सन 2014 का एडिशन ये खेले थे और 14 के 14 मैच ये आरसीबी की टीम से खेले थे दोस्तों, जिसमें इन्होंने अच्छे खासे 376 रन स्कोर कर दिए थे। 83 का इनका हाईएस्ट स्कोर था, 34.18 की अच्छी औसत थी, स्ट्राइक रेट भी कमाल का 135.25 का था। दोस्तों उसके बाद इन्होंने शतक एक भी नहीं लगाया लेकिन 3 अर्धशतक लगाए, जिसमें एक बार जीरो पर भी आउट हुए और छक्के इन्होंने 28 छक्के टोटल जड़े। दोस्तों उसके बाद उन्होंने बॉलिंग में भी कमाल किया, विकेट ली इन्होंने 5, इकोनॉमी थी इनकी 8.25 की, जिसमें इन्होंने एक बार 4 विकेट चटकाए दोस्तों 35 रन देके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम छठे नंबर के लिए। दोस्तों छठा नंबर भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा था कि मैं किसको रखूं, बट दोस्तों सबसे मैंने बेस्ट चूज़ करने की कोशिश की, वो अभी भी खेल रहे थे सन 2018 से 2021 तक, अभी भी इनकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम है वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों 31 मैचों की 21 पारियों में इन्होंने बैटिंग की, जिसमें इन्होंने 208 रन बनाए, हाईएस्ट इनका 35 रहा। दोस्तों वहीं इनकी औसत रही 13.86 की, स्ट्राइक रेट काफ़ी कम रहा लेकिन दोस्तों अच्छे प्लेयर माने जा रहे हैं और काफ़ी तमिलनाडु टीएन पीएलएन में ओपन भी करते आए हैं। दोस्तों तो 13.6 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, जिसमें इन्होंने एक बार ये जीरो पर भी आउट हुए और इन्होंने 6 सिक्सेस लगाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी बॉलिंग की। दोस्तों 31 मुकाबलों में 31 इनिंग में इनकी बॉलिंग मिली इनको, जिसमें इन्होंने 19 विकेट अब तक चटकाए, इनका बेस्ट रहा है 3 विकेट 24 रन देकर, और इनकी जो औसत थी, औसत भले ही थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन प्रभावशाली हैं, गेंदबाज हैं। दोस्तों औसत थी 35.89 की और दोस्तों इनकी जो इकोनॉमी रही वो रही 7.17 की, कमाल की इकोनॉमी रही दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है T20 क्रिकेट में। अब इनकी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की आपको लगने वाली है दोस्तों, अब तक की मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बॉलिंग यूनिट इनकी रही। 7वें नंबर पे दोस्तों डेल स्टेन को मैंने रखा, जो कि 18 से सन 2021 के सीज़न तक इनकी टीम के साथ रहे, 36 मैच की 36 पारियों में इन्होंने 35 विकेट दोस्तों चटकाए, जिसमें इनका हाईएस्ट था 3 विकेट, बेस्ट परफॉर्मेंस था दोस्तों 3 विकेट चटकाए 18 रन देकर, एवरेज इनकी 28.86 की इनकी कमाल की एवरेज रही, जिसमें इनकी इकोनॉमी ठीक ठाक रही, 7.32 की इकोनॉमी दोस्तों इनकी रही, 4 विकेट या 5 विकेट भले ही ना चटकाए पाए हों लेकिन अच्छी बॉलिंग करते रहे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम 8वें नंबर पर। दोस्तों 8वें नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेयर मौजूद थे, जिसमें एक जहीर खान थे, प्रवीण कुमार थे, बट दोस्तों मैं जा रहा हूँ विनय कुमार के साथ। दोस्तों सन 2008 से 2013 तक ये जुड़े रहे आरसीबी की टीम के साथ, जिसमें इन्होंने 70 मुकाबले खेले, 70 में से 69 मुकाबलों में इन्होंने बॉलिंग की, जिसमें इन्होंने 80 विकेट अच्छे चटकाए, एक बार 4 विकेट इन्होंने चटकाए दोस्तों, जिसमें इनकी इकोनॉमी रही 8.5 की और औसत रहा दोस्तों 24 रन देख औसत रहा इनका दोस्तों 24.77 का, मतलब कि हर 24वीं गेंद पे विकेट चटका लेते थे, जिसमें दोस्तों इनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही वो थी 4 विकेट लिए इन्होंने 40 रन देकर। दोस्तों अब मैंने 9वें नंबर पे रखा दोस्तों मिचेल स्टार को, जो 2014 और 2015 के एडिशन में खेले थे, इन्होंने टोटल 27 मुकाबले खेले, जिसमें इन्होंने 26 मुकाबलों में बॉलिंग की, जिसमें इन्होंने 34 विकेट दोस्तों चटका ली थी। दोस्तों इनका बेस्ट जो रहा वो 4 विकेट था 15 रन देकर, एवरेज इनका कमाल का रहा दोस्तों 20.38 का एवरेज रहा। दोस्तों इनकी इकोनॉमी भी कमाल की रही, जिसमें इनकी इकोनॉमी थी 7.16 की और एक बार इन्होंने 4 विकेट भी चटकाए। दोस्तों इगड़ी का आपको पेस अटैक सबसे बेहतरीन लगेगा अभी तक की आईपीएल सीजन की टीम में, जहां आपके पास एक तरफ हो मिचेल स्टार, दूसरी तरफ हो डेल स्टेन और तीसरी तरफ इंडियन विनय कुमार हों,
दोस्तों अब मैंने 10वें नंबर पे जिसे रखा है वो है अनिल कुंबले। सन 2008 से 2010 तक का सीजन ये खेले जिसमें इन्होंने 51 मुकाबले खेले। 51 मुकाबले की 51 इनिंग में इन्होंने 53 विकेट 200 छटकाए। इनका बेस्ट स्कोर था 5 रन देकर 5 विकेट। कमाल का बेस्ट परफॉर्मेंस इनका रहा। एवरेज जो रही वो रही दोस्तों 24.58 की, जिसमें इनका स्ट्राइक जिसमें इनकी इकोनॉमी रही दोस्तों 6.65 की। 2 बार 4 विकेट चटकाया दोस्तों, 1 बार 5 विकेट भी चटकाया। तो बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी एज अ स्पिनर रही दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ 11वें नंबर पे आरसीबी के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर अभी भी चल रहे हैं दोस्तों, उनका नाम है युजवेंद्र चहल। सन 2014 से 2021 अभी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। 105 मुकाबले टोटल इन्होंने खेले हैं जिसमें इन्होंने 104 में बॉलिंग की है, जिसमें इन्होंने 125 विकेट दोस्तों चटकाए हैं। हाँ, इनका बेस्ट स्कोर जो रहा है दोस्तों 4 विकेट लिए इन्होंने 25 रन देकर। 23.03 की इनकी कमाल की औसत रही दोस्तों। इकोनॉमी रही इनकी 7.69 की। इकोनॉमी हल्की सी थोड़ी हाई है बट कमाल के बॉलर रहे दोस्तों। क्रूशियल विकेट ही चटकाते रहे और 2 बार 4 विकेट भी इन्होंने चटकाए दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ कमाल की आपको प्लेइंग 11 मिलेगी ऑल टाइम आरसीबी की हमारे चैनल पर। आप बताइए क्या आप इस प्लेइंग 11 से सहमत हैं। अगर आपका कोई प्लेयर छूट गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक टास्क मैं आपको देता हूँ कि आप भी अपनी ऑल टाइम आरसीबी प्लेइंग 11 नीचे कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों, क्या आपकी रह सकती है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की ऑल टाइम प्लेइंग 11। तो जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।